नमस्कार। तीन लाख से अधिक जानें जा चुकी हैं कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में। दूसरी तरफ केवल 3 बल्कि मुश्किल से 3% जनता को दोनों टीके लगे हैं। 97% जनता आज वैक्सीन के दोनों टीकों से वंचित है, क्योंकि भाजपा की केंद्रीय सरकार देशवासियों के लिए चिंतित नहीं है। कहा जाता है जान जाए पर वचन ना जाए, पर भाजपा केंद्रीय सरकार का नारा है जान जाए तो जाए पर देशवासियों को वक्त पे वैक्सीन ना मिल पाए। अरे क्या से क्या हो गया देखते देखते। मार्च में जो केंद्रीय सरकार, जो हिंदुस्तान वैक्सीन दाता कहा जा रहा था, आज वो वैक्सीन याचक बन गया है। भारत की केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार देशवासियों को दर किराने करते खुले हाथ से वैक्सीन बांट रही थी और आज हाथ फैलाए बैठी है बाकी मुल्कों के सामने के हमें वैक्सीन दे दो। क्योंकि ये सब इसलिए हुआ है भाजपा की बेपरवाही, लापरवाही। वैक्सीन और टीकाकरण को लेके ना नीति ना रणनीति, केवल अपने ही राज्यों के साथ राजनीति। तो दो मांगे और दो प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 35,000 करोड़ रुपया जो बजट में वैक्सीन के लिए रखा गया था उसका क्या हुआ? देशवासियों का पैसा, भाजपा की निजी संपत्ति नहीं, देशवासियों का पैसा देशवासियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? दोनों डोजेस, दोनों टीके कम 35,000 करोड़ में कई कम से खरीदी जा सकती है, पर केंद्रीय सरकार मुट्ठी बंद करके बैठी है। दूसरा, कोरोना की महामारी है, 45 वर्ष में पहली बार इतनी बेरोजगारी है, GDP -7.3% गिर गई है, कारखानों को ताले लग रहे हैं, बैंक फ्रॉड बढ़ रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। इस आर्थिक संकट में भी भाजपा सरकार जनता को मुफ्त वैक्सीन का राहत क्यों नहीं दे रही? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जनहित में, देश हित में दो मांगे। पहली, जिस सरफरोशी से माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी सरफरोशी से, शिद्दत से भाजपा घर घर वैक्सीन पहुंचाए, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, हर घर में टीकाकरण करे। दूसरा, महंगाई की आफत नहीं बल्कि मुफ्त वैक्सीन की, टैक्स पेयर का जो पैसा, जनता का पैसा, उसका इस्तेमाल करके महंगाई की आफत नहीं बल्कि वैक्सीन की राहत देनी चाहिए, मुफ्त वैक्सीन की। अंत में इतना कहूंगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा भाजपा केंद्रीय सरकार का नाम कोरोना की आग बुझाने में नहीं लिखा जाएगा बल्कि कोरोना की आग लगाने में लिखा जाएगा, और उस आग में देशवासियों को बिना वैक्सीनेशन के धक्का मारने के लिए लिखा जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।